दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय त्रिवेदी ओवरसीज जालंधर अमृतसर। हिमाचली बेटी दिव्या वशिष्ठ सच्चर उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं, जो 45 की उम्र में अपने को अधेड़ समझकर आगे बढ़ने की चाह छोड़ देती हैं। धर्मशाला के निकटवर्ती घरों लांचनी गांव की दिव्या ने 45 वर्ष की आयु में दौड़ना शुरू किया था। वह पिछले 6 सालों में हिमाचल ही नहीं बल्कि देश विदेश की करीब 60 से अधिक नामी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। दिव्या करीब 32 से अधिक बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। दिव्या ने पिछले महीने उत्तराखंड के गढ़वाल में हुई 161 किलोमीटर यानी 100 मील की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया था। 1.5 दिन और 1 रात यानी 31 घंटे 8 मिनट में दिव्या ने ये मुकाम हासिल किया है। जिस उम्र में महिलाएं पीछे हटती हैं, उस उम्र में दिव्या ने आगे बढ़ने का संकल्प लेकर नई मिसाल पेश की है। आज हमारे साथ एक ऐसी हिमाचल की महिला बेटी उपस्थित हैं, जो पूरे महिला समाज के लिए रोल मॉडल बन गई है। लगभग 45 साल की उम्र में इन्होंने दौड़ना शुरू किया और हिमाचल सहित देश विदेश की बड़े बड़े शहरों में आज ये 100 मील से अधिक दूरी की जो रन है उसमें पोजीशन लेकर ले रही हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, दिव्या जी, दिव्या हिमाचल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप हिमाचल के लिए इस आयु में हिमाचल की महिलाओं के लिए जो है वो प्रेरणा बनी है। थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपने इस आयु वर्ग में जो है वो लगभग 45 साल की आयु में जो है वो आपने दौड़ना शुरू किया और अब आप पिछले ही महीने बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है वो 100 मील की दूरी 31 घंटों में तय करके आए हैं, तो कैसे ये हासिल कर पा रहे हैं? रनिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें थोड़ा एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, मेहनत तो लगती है और जितना रन करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस रहती है। बीच में अगर गैप कर दिया रनिंग में तो वो आपको एक तरह से सारा का सारा दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो जब शुरू किया 10 किलोमीटर से शुरू किया, इनफैक्ट 5 से ही किया, 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, वो एक तरह से जुनून बन गया। वो पहला 1 घंटा रन किया, फिर लगा कि हाँ यही 10 किलोमीटर जो है वो आप 1 घंटे से भी ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो, थोड़ी और प्रैक्टिस की, तो उससे करते करते वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ता गया। मैडम, इस उम्र में लगभग 45 की एज में आपने बताया कि शुरू किया है, तो क्या पहले भी कभी छात्र जीवन में, स्कूल टाइम में आपने जो है वो स्पोर्ट्स में या रनिंग में कभी पार्टिसिपेट किया, या अभी जो है वो जॉब के दौरान ही आपका ये इस दिशा में जो है वो मन किया? स्कूल टाइम में ट्रैक्स पे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था, 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, और एक छोटी सी मैराथन भी होती थी सोलन से चंबा घाट तक, तो उसमें भी जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो बाद में पढ़ाई और जॉब की वजह से वो रह गया, और वो बाहर में जब देखा कि एक शहर में, क्योंकि ज़्यादा रनिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो वहाँ पर लोगों को देख के लगा कि हाँ ये भी अभी भी किया जा सकता है, तो जब शुरू किया तो हाँ लगा कि ये तो हो सकता है आराम से 21-22, फिर उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसा लगा कि जब तक शरीर में मतलब ठीक है वो बिल्कुल एक्सरसाइज, और दो इवेंट वहाँ पे जाके भी मैंने बहुत ट्राई की, और इंडिया में तो तकरीबन हिमाचल में मैं कोई नहीं छोड़ती, रन अगर होती है तो ज़रूर वहाँ पे करते हैं, तो शिमला में होती है, मनाली में होती है, चंबा में हुई अभी हाल ही में, तो उन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैम, तो आपको, आप हिमाचली हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि जो हिमाचल की हमारी और महिलाएं हैं, हिमाचल की जो और हमारी बेटियां हैं, वो भी इस दिशा में आगे बढ़ें और उनके लिए भी कोई आयु वर्ग जो है वो मायने न रखते हुए ऐसे आयोजन हो, कभी इस दिशा में भी आपका कोई प्रयास रहा है या भविष्य में रहेगा? ऑर्गेनाइज करने तक तो अभी नहीं, पर हाँ जरूर दिमाग में ख्याल जरूर है कि यहाँ के लिए लोकल स्पेशली, क्योंकि धर्मशाला में अभी तक मैंने कोई इवेंट होते हुए देखी नहीं, योल में जरूर एक छोटी सी 4 साल पहले इवेंट हुई थी, लेकिन लोकल धर्मशाला में अभी तक नहीं है, तो हाँ अगर हुआ कभी तो डेफिनेटली यहाँ पे तो जरूर ही करनी है। बाकी अभी तक ठीक है, जब तक पार्टिसिपेट हो सकता है तब तक जरूर। मैडम, आपकी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई और किस तरह से, अभी कौन से आप जो है वो
विभाग से जुड़े हुए हैं या कहाँ अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं? सोलन में मैं बहुत साल रही हूँ, मेरे फादर वहीं पे पोस्टेड थे सोलन सेंट लूक से। मैंने अपनी 10th ख़त्म की है, डीएवी कॉलेज कांगड़ा से एक साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने ग्वालियर से की, उसके बाद जॉब्स सोलन में ही किया। वहाँ पे कंपनी है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड, उसमें मैंने टेस्टिंग में वहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद हम लोग कनाडा शिफ्ट हुए, फिर कैलिफोर्निया शिफ्ट हुए, दोनों जगह जॉब वहाँ पे भी किया। और अभी तक मैं जो कैलिफोर्निया में मेरी कंपनी है, मैं उसी के साथ मैं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर की पोस्ट पे मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। मैडम, आपने साउथ अफ्रीका, एवरेस्ट, लद्दाख, काफ़ी अनुभव रहा है आपका। रात को भी दौड़ना पड़ता है, जैसे 100 मील की दौड़ है आपकी, तो आपने 31 घंटे में जो है उसको पूरा किया है। तो क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए कितना चुनौती भरा है ये कार्य जो है वो, क्योंकि लगातार जो है वो 31 घंटे दौड़ना एक बड़ी चुनौती है। सो ऑर्गेनाइजर्स पे बहुत डिपेंड करता है। सो एक तरह से सेफ्टी डेफिनेटली फीमेल्स को सबसे पहले देखनी चाहिए, और ऑर्गेनाइज रन से पहले मैं ऑर्गेनाइजर से मैं ज़रूर कंफर्म कर लेती हूँ कि किस तरह का उनका वहाँ पे अरेंजमेंट है, रात को क्या है, कोई रहेगा साथ में या नहीं रहेगा, तो वो सब देख के ही उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेट। जब पूरा कंफर्मेशन मुझे उनके साथ मिल जाती है कि रात का ये होगा, कुछ अगर आपको कपड़े चेंज करने हैं, थोड़ी देर सोना है, टॉयलेट कहाँ जाना है लेडीज़ के लिए, वो सब उनसे वो मुझे कॉन्फर्मेशन मिल जाती है, तभी मैं उनकी इवेंट्स में जाना पसंद करती हूँ। पर तकरीबन जितने भी प्रोफेशनल हैं वो सारे के सारे ठीक से ही रखते हैं। तो मैडम, अभी तक आपने लगभग कितनी जो मैराथन है उसमें भाग लिया है टोटल, और इसमें कितनी में लगभग आप जो है वो पोजीशन पे रहे हैं? मैंने 60 इवेंट्स में अभी तक पार्टिसिपेट किया है पिछले 6 सालों में, और तकरीबन 50% 30-32 इवेंट में मेरा पोडियम रहता ही है। अगर ओपन में नहीं रहेगा तो एज कैटेगरी, अगर 45+ की एज कैटेगरी है और अब मैं 50+ की एज कैटेगरी में, तो उसमें नहीं तो कैटेगरी में कोई ना कोई पोडियम। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मैडम दिव्या वशिष्ठ सच्चर जी, जिन्होंने जो है वो कई नामी मैराथन में भाग लिया है और लगभग 60 मैराथन में भाग लेकर 32 से अधिक मैराथन में पोजीशन हासिल की है। ये हिमाचल धर्मशाला की वो बेटी हैं जिन्होंने 45 की एज में शुरू करके महिलाओं के लिए एक प्रेरणा जो है वो दी है कि महिलाएं ये ना समझें कि वो इस वर्ग में आकर अधेड़ होने लगती हैं, बल्कि इस आयु वर्ग में भी जो है वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मुकाम और दिशा जो है वो मिल सकती है, और वो इस दिशा में जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल, धर्मशाला। लो भाई, आज पार्टी मेरे वालों, यार होने चले ऑस्ट्रेलिया पढ़ने। पर यार मेरा ते हाल तक ऑफर लेटर भी नहीं आया। एक गाल दस कि तेरा कंसल्टेंट रजिस्टर्ड है? पता नहीं। कि तेरा कंसल्टेंट एरिया पायर वालों सर्टिफाइड है? पता नहीं। फिर तेरा वीजा कौन लगवाएगा? पर यार ये सब है किस कंसल्टेंट कोल? त्रिवेदी ओवरसीज, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी।